हाय फ्रेंड्स, पोहा सभी को बहुत पसंद होता है, पर अगर हम इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो ये खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग और कलरफुल लग रहा है। तो यहाँ पे आज मैंने बीटरूट पोहा बनाया और पालक पोहा बनाया है। जनरली बच्चों को और बड़ों को बीटरूट और पालक दोनों खाने में बड़ा जोर आता है, तो इस तरीके से हम पोहे में मिक्स करके खिलाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और बिल्कुल भी इसका टेस्ट बीट का और पालक का नहीं आता है, सेम जैसे हम पोहा बनाते हैं वैसे ही लगता है, बस हेल्दी पोहा हो जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के जितना पोहा ले लिया है, और पहले इसे अच्छे से मैं धो दूंगी और फिर इसे हम भिगो देंगे। इसे आपको छलनी में धो के भिगोना है ताकि इसका पानी निथर जाए और ये फिर खिले खिले बने। तो अब यहाँ पे मैंने एक बीटरूट ले लिया है और उसे चॉप कर दिया है। इसमें आप 2-3 टीस्पून के जितना पानी डाल के ग्राइंड करके प्यूरी बना लें। फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है दोनों साथ में बनाना, आप एक कोई भी एक भी बना सकते हैं, जैसे बीटरूट बना लिया या पालक का बना लिया। मैंने यहाँ वीडियो के हिसाब से दोनों बनाए हैं। तो यहाँ पे अब ये प्यूरी रेडी है और हम इसे छान लेंगे। इस तरीके से छान लेने से इसका हमें जो प्यूरी है वो मिल जाएगी, और ये बचा हुआ है इसे आप सब्जी में वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ सेम तरीके से पालक भी ले लेंगे और उसकी भी प्यूरी बना लेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 टीस्पून के जितना, और एक फाइन प्यूरी बना के इसे छान लेंगे। और इसे हमें छान लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा गूदा नहीं निकलता है, पर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं सब्जी में वगैरह। आप चाहें तो इसे बिना छाने भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ हमारी दोनों प्यूरी रेडी है, पालक और बीटरूट। अब हमने जो पोहे भिगोए थे उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो एक बीटरूट बनाएंगे और एक पालक वाला बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके पोहा भिगोने से 10-15 मिनट पोहे बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। पोहे के हर दाने में ये कलर ऐड हो जाएगा बीटरूट और पालक का। तो अब हम ये प्यूरी जो है वो बीटरूट की एक में डालेंगे और एक में पालक की प्यूरी इस तरीके से डाल देंगे, और इसे अच्छे से हिलाएंगे और इसे वापस 5-7 मिनट के लिए रख देंगे। और तब तक हम प्याज वगैरह छोंकेंगे पोहा के लिए। इस तरीके से रखने से इसके अंदर की जो प्यूरी का जो विटामिन्स वगैरह है वो पालक के अंदर सोख हो जाता है। तो आप इस तरीके से 5-7 मिनट के लिए रख लें। और जो हमने वेजेस थे, गाजर और मैंने यहाँ बीन्स लिए हैं, तो इसे हम बॉईल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे बॉईल कर दें। और अब एक पैन के अंदर हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, 2 टीस्पून के जितना, और उसके अंदर ये पीनट्स को शैलो फ्राई करेंगे। पीनट्स यहाँ पे शैलो फ्राई करने की बजाय आप इसे सेक के क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो इस जब शैलो फ्राई हो जाएगी तो मैं इसे एक अलग बोल में ले लूँगी। शैलो फ्राई करने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, बस यही फ़र्क है। तो अब यहाँ हम उसी ऑयल के अंदर राई और जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे तड़कने देंगे। इसमें राई तड़की हुई जब रहती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो उसे तड़कने दें। और फिर जब ये तड़क जाए तो इसके अंदर हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालें। आप चाहें तो बड़ी काट के भी डाल सकते हैं हरी मिर्च। अब यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया है और एक प्याज चॉप करके डाल दिया है। ये प्याज जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम डाल सकते हैं, वेजेस भी ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ बॉइल्ड वेजेस डाल दिए, गाजर और बीन्स और टमाटर डाल दिए। टमाटर को मैंने बीज निकाल दिया था, और इसे 2 मिनट सॉटे करके फिर जो पोहा है बीटरूट वाला वो डाल दिया है इसके अंदर। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये पोहा बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और शक्कर डाल देंगे। शक्कर आपको अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पोहा थोड़ा खट्टा और मीठा खाते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी शक्कर भी ज़्यादा ही डालती हूँ। अब हमें इसे 5-7 मिनट कुक करना है। जब शक्कर मेल्ट हो जाए तब आप इसके अंदर नींबू डालें। पहले डालेंगे तो शक्कर मेल्ट नहीं होगी।
और अब जो फ्राइड पीनट्स थे वो डाल देने हैं और इसे नीचे उतार देना है। अब हम इसे सर्विंग बोल में ले लेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। ये कलर अच्छा होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अब उसी तरीके से हम पालक वाला पोहा भी बना लेंगे। वो ही प्रोसेस है, सिर्फ बीटरूट वाले पोहे की जगह हम पालक वाला ऐड कर देंगे। मैंने सारा प्रोसेस नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पालक वाला पोहा भी रेडी है हमारा, तो आप ज़रूर बनाएं इसे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के पास साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। मिलती हूँ कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।